कमांडिया अलायंस दे काले कारनामे सीरीज विच अज असी वेखांगे कि किवें केजरीवाल सरकार ने नवी शराब नीति दे सहारे करोड़ां रुपए दे शराब घोटाले नूं अंजाम दिता अते किवें शराब घोटाले विच मनीष सिसोदिया अते संजय सिंह दे जेल जाण तों बाद केजरीवाल नूं जेल जाण दा डर सताउण लगाए। तुहानूं दस दईए कि साल 2021 विच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच एक नवी शराब नीति लागू कीती सी, जिस दे तहत शराब कारोबारियां नूं फायदा पहुंचाउण दे लई उन्हां दी 144.36 करोड़ रुपए दी लाइसेंस फीस मुआफ कर दित्ती गई सी। अते इस तों बाद शुरू होया असली खेल, पूरे दिल्ली नूं 32 जोनां दे विच वंड दित्ता गया अते हर जोन विच 27 नवीआं शराब दीआं दुकानां खोल दित्तीआं गईआं। अते इस तों बाद सारीआं शराब दीआं दुकानां नूं प्राइवेट कर दित्ता गया, जदों कि इस नीति तों पहलां दिल्ली विच शराब दीआं 60 फीसदी दुकानां सरकारी अते 40 फीसदी प्राइवेट सी। शराब दी विक्री वधाउण दे लई भारी डिस्काउंट भी दित्ते गए। इस नाल दिल्ली विच शराब दी विक्री तां वधी, परंतु दिल्ली दे खजाने नूं करीब 2800 करोड़ रुपए दा घाटा होया। ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले दे विच आम आदमी पार्टी दे उपर 100 करोड़ रुपए दे लैण देण दा इल्जाम लगाया है। दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा दे विच विधानसभा चोणां दे दरमियान इस पैसे नूं खर्च किया सी। इस घोटाले दे विच मनीष सिसोदिया अते संजय सिंह समेत कुल मिला के 14 लोकां दीआं गिरफ्तारियां हो चुकियां ने, जिहड़ा केजरीवाल सत्ता विच आउण तों पहलां कट्टड़ इमानदारी दीआं वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा सी। हुण इसे शराब घोटाले दे विच ईडी केजरीवाल तों वी जल्द ही पुछगिछ करन दे वास्ते तैयार है। ईडी दी कारवाई तों डरिया होया केजरीवाल हुण अपनी कुर्सी बचाउण दे लई जनता दे सामने एक नवी नौटंकी करन लग्या होया है। शराब घोटाला अते इस विच हुण तक आप पार्टी दे हाई प्रोफाइल नेतावां दी गिरफ्तारी जाहिर करदी है कि केजरीवाल दे कोल ना तां दिल्ली दे लोकां दे लई कोई विजन है अते ना ही काम करन दी नीयत। इसका मकसद है ता सिर्फ जोड़ तोड़ दी राजनीति करके कमंडिया अलायंस दे सहारे देश दी सत्ता तक पहुंचण दा। परंतु हुण दिल्ली दी जनता कमंडिया अलायंस दी पूरी असलियत जान भी गई है अते इना फर्जी कट्टड़ ईमानदारां दा असली चेहरा पहचान भी गई है।